अस्सलाम वालेकुम। तो ट्रेडर्स कैसे हैं सब लोग? आज आप लोग के लिए बहुत जबरदस्त ट्रेड लेके आया हूं मैं। सब में गोल्ड में, डाउ जोन्स में, यूएसडी में और बिटकॉइन में और वाइल में। तो इन सारे पेयर्स में आप लोग के लिए बड़ी जबरदस्त ट्रेड लेके आया हूं। कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जैसा प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। किसी एक में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, पांच, चार में नहीं, पांच पेयर्स, पांच से छह पेयर्स में हमने दिया था और एग्जैक्ट वही मूव आया मार्केट में। एग्जैक्ट मार्केट ने उसी तरीके से मूवमेंट दिया। अभी मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है? अभी मार्केट में सिनेरियो ये बन रहा है कि गोल्ड की आपने बाइंग करनी है। गोल्ड की आपने कहां से बाइंग करनी है? गोल्ड की आपने बाइंग करनी है प्राइस सेलिंग में, गिरी थी प्राइस सेलिंग में, अभी तकरीबन सेलिंग गिर रही है। यहां पे आप बाय कर सकते हैं 2000 समथिंग, अभी प्राइस आई है कोई 2001 पे। तो आप यहां से कोई हल्की सी बाइंग कैंडल बने तो आप यहां पे कोई बाइंग करेंगे 2001 से 2002 पे, आपने यहां पे बाइंग करनी है। अभी चाहे तो अभी बाइंग कर लें यहां पे। और एसएल आपका होगा, अपने अल्लाह भला करे, एसएल आपका होगा कितना? एसएल आपका होगा 1997 का आपका एसएल होगा। और टेक प्रॉफिट, पहला टेक प्रॉफिट होगा आपका इसका 2010 का, 2010 का। और दूसरा आपका इसका टेक प्रॉफिट होगा 2015 का। और दूसरा तीसरा टेक प्रॉफिट होगा आपका 2020 का। सही है? तो ऐसा लग रहा है कि मैं साल बता रहा हूँ लेकिन साल नहीं है ये। मार्केट की प्राइस इस तरीके से आई है कि आप लोगों को लगेगा साल है। तो आप लोगों का ये टेक प्रॉफिट है। और जैसे ही 2010 पे आ जाए अपने हाफ ट्रेड क्लोज करें और एसएल ब्रेक इवन कर लीजिएगा। अच्छा, बाकी पे हम आ जाते हैं नैस्डेक पे। नैस्डेक पे हमें क्या सिचुएशन दिख रही है? नैस्डेक अभी बाइंग में आएगा, बाइंग में नैस्डेक आएगा 13727 पे प्राइस जब आएगी तो वहां से हमें कोई भी फॉर्मेशन देख के, वहां से हमें जो सेलिंग की फॉर्मेशन देखनी है वहां से हमें सेल करना है डाउ नैस्डेक। सही है, नैस्डेक हमें सेल करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स हमें क्या सिनेरियो दिखा रहा है? डाउ जोन्स हमें सिनेरियो यहाँ पे, अभी डाउ जोन्स भी बाइंग में उठा है थोड़ा सा। डाउ जोन्स जो है 33094 पे यहाँ पे कोई फॉर्मेशन देता है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे आप इस एरिया में लाइन लगा लीजिएगा। इस एरिया पे हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे लेकिन फॉर्मेशन नहीं मिले तो हमें सेलिंग नहीं देखनी। ये एरिया ब्रेक हो जाए तो हमें सेलिंग नहीं देखनी। इसके अलावा एक और एक एरिया था नैस्डेक का, वो एरिया ब्रेक हो जाए जो नैस्डेक का एरिया बना था तो हमें सेलिंग देखनी। घर में थोड़ा काम चल रहा है तो जिसकी वजह से वीडियो काफी टाइम पहले बनाई थी लेकिन शोर शराबा चल रहा था जिसकी वजह से आप लोगों को पहले भी नहीं बना पाया मैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन के भी ऐसी कोई एरिया में है नहीं प्राइस की वहां से हम सेलिंग या बाइंग दे सके रेंज में। बाकी फिर हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल की हमें आज की क्या सिचुएशन दिख रही है? क्रूड ऑयल पे आप बाय कर लें। क्रूड ऑयल पे आपने बाय कहां से करना है? क्रूड ऑयल आपने बाय करना है तकरीबन अपना अल्लाह वाला करे 18:18 से आपने बाइंग करना है क्रूड ऑयल। और पहला टेक प्रॉफिट हमारा होगा 18:19, 18:20। दूसरा टेक प्रॉफिट 18:25-30, वो 18:25 नहीं, सॉरी, पहला टेक प्रॉफिट होगा हमारा 118। दूसरा टेक प्रॉफिट, वो पहला टेक प्रॉफिट होगा हमारा, सॉरी, गोल्ड इतना दिमाग पे चढ़ा हुआ है ना, पहला टेक प्रॉफिट ऑयल का होगा हमारा। हम ट्रेड लेंगे 118 पे, टेक प्रॉफिट होगा 119 से 120 का। दूसरा हमारा टेक प्रॉफिट होगा 125 का। और तीसरा टेक प्रॉफिट हमारा होगा 130 का। सही है? तो ये ऑयल की कुछ ट्रेड्स थी। ऑयल कल भी मैंने ट्रेड दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी प्रॉफिट में गई थी। गोल्ड इतना सर पे चढ़ा हुआ है कि बार बार गोल्ड की वैल्यूज आ जाती है ना माइंड में, क्योंकि गोल्ड पे इतना ज्यादा काम किया कि मत पूछे। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जेबीवी यूएसडी पे। जेबीवी यूएसडी, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जेबीवी यूएसडी ने एरिया ब्रेक कर दिया, उसके बाद जेबीवी यूएसडी को सेल मारा था। तो कितने भाइयों ने जेबीवी यूएसडी सेल लिया है, गोल्ड बाय लिया था और किस किस ने कितना प्रॉफिट करा था वो मुझे सब लोग बताएं। वीडियो आज थोड़ी शॉर्ट इसलिए बनाई क्योंकि तो घर में काम हो रहा है, बहुत शोर शराबा हो रहा है। दूसरी चीज, मुझे अभी एक दो जगह जाना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम शॉर्ट है। तो जेबीवी यूएसडी का जो एरिया है जहां से हम सेल करनी है जेबीवी यूएसडी 1.31603
पे अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन बनती है, ये अगर एरिया ब्रेक हो गया तो इस एरिया में सेल नहीं लेनी, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, ये टेस्ट रोके, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बनती है तो यहाँ से हम सेल लेंगे। जो कि हमारा टारगेट कितना है इसका, हमारा टारगेट अच्छा खासा जो इसका प्रीवियस लो है वहां तक हम आप टारगेट रखिएगा इसका। तो ये वीडियो यहीं तक करते हैं, इसी के साथ किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला आ रहा हो फॉरेक्स में, आप लोग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ मैं फॉरेक्स में, जो कि आप लोग के इतना मजा आ जाएगा जिससे जितने भी फॉरेक्स में स्कैमर्स हैं, जितने फॉरेक्स में फेक ग्रूज हैं, जितने भी लोगों को नुकसान कर रहे हैं, जो जो सारी चीजें हो रही है, उन सारी चीजों सबके जो है ना, सबके कारोबार, सबके धंधे, सबके कारोबार ठप करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, अकाउंट मैनेजमेंट्स वालों के कारोबार ठप होने वाले हैं। अभी देखना मेरे खिलाफ बहुत हेट वीडियोस बनेंगे, हो सकता है कि कुछ कल के नए बच्चे या कल लोग टका टक जो भी है एक्स जेड, वो लोग आके कुछ मेरे बारे में कुछ बोले, कोई कुछ भी बोले भाई किसी, आई योर डैम फक अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों के किसी लोगों के बारे में, दफा करो। खैर चले, अपना अपने कितनाओं में सब लोगों का ख्याल रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल इसी तरीके से। बाकी अपना अपने कितनाओं में जितने भी लोगों का ख्याल रखें, फिर अल्लाह हाफिज़।